नमस्कार दोस्तों। आज अपन PPF का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है रिटायरमेंट का। बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा रहना चाहिए उसका। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे PPF क्या है, PPF का इंटरेस्ट जो रेट है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो बोल सकते हैं आप प्रो टिप, वो बताने वाला हूँ कि आपने अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, तो कौन से एक बात का आपने ध्यान हमेशा रखना चाहिए। PPF का लोन और PPF का टैक्सेशन मैटर्स क्या रहने वाले हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में सारे की फीचर्स जो है PPF से रिलेटेड वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। मेरा नाम है CA अक्षय लड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं। PPF। PPF में अपन सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग में आपको पहले बताता हूँ कि PPF एक स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला रिटायरमेंट के लिए। PPF एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। कोई भी एक इंडियन सिटीजन PPF अकाउंट खोल सकता है, लेकिन एक इंसान एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। सिर्फ एक केस में एक्सेप्शन है कि वो अपने माइनर के बिहाफ पे PPF अकाउंट खोल सकता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली PPF अकाउंट नहीं खोल सकती। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये PPF का कि PPF अकाउंट कभी भी अटैच नहीं होगा। अगर आपके अंग पे कोई क्लेम या कोई डेब्ट या कोई लाइबिलिटी आ गई तो PPF अकाउंट कभी अटैच नहीं होगा। ये हमेशा सिक्योर रहेगा, ये हमेशा रिस्क फ्री रहेगा, ठीक है। अब PPF अकाउंट खोलते कैसा, कोई भी पोस्ट ऑफिस में, नेशनलाइज बैंक में और प्राइवेट बैंक में, तीनों जगह अपन PPF अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, एक सिंपल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और आपका KYC सबमिट करने के बाद PPF अकाउंट खुल जाता है। अब इंटरेस्ट रेट और एक वेरी प्रो टिप आपको मैं बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है 1/4/2020 से चेंज हुआ है, जो कि कम हो गया है, 7.1% पर एनम हो चुका है, जो कि 7.9% था पहले। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्यूअली होता है। अगर आपको कंपाउंडेड का मतलब पता नहीं, तो मैं आई बटन पे आपको मेरा की इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट्स क्या क्या है वो वीडियो बताने वाला हूँ, तो आपने वो वीडियो देखना, आपको समझ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल PPF का रेट रिवाइज करता है। अब एक प्रो टिप बताता हूँ, अगर आपको सोच रहे हैं कि PPF में अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो PPF अकाउंट में आप हर मंथ के 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करना हमेशा। जैसा कि अगर आपको जुलाई मंथ में इन्वेस्ट करना है, तो जुलाई के 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करना, 5 तारीख के बाद में नहीं करना, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो मंथली अक्रू होता और पेड मार्च में होता है। तो ये एक बात ध्यान में रखना। जैसा कि अब आपको बताता हूँ मैं कि अगर आपने मार्च महीने में इन्वेस्टमेंट किया हमेशा 5 तारीख के बाद में, तो हर साल अगर आपने सेम यही चीज़ फॉलो किया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ये। उसके बाद में इसके अंदर ये, हाँ, अब इसेंशियल फीचर्स क्या है। PPF का टर्म 15 साल का है, जो सबको ही पता है। 5 साल का ब्लॉक में ये टर्म बढ़ता है। ब्लॉक अपन बढ़ाने का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 500 रुपये होना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.5 लाख रुपीज़ होना। उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट 12 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं या लमसम एक पूरा इन्वेस्टमेंट दे सकते हो। डिपॉजिट फ्रिक्वेंसी पे एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि हर साल अपने को एक बार तो भी डिपॉजिट करना ही पड़ेगा पैसा। 15 साल में टोटल 15 साल में हर साल अपने को एक बार डिपॉजिट करना पड़ेगा। PPF ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। PPF का अकाउंट एक ही आदमी एक ही बार खोल सकता और सिंगल अकाउंट खोल सकता। अब सर, ये इनएक्टिव अकाउंट क्या है। इनएक्टिव अकाउंट ऐसा है कि अगर कोई साल आप मिस हो गए पेमेंट करना, तो आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है। और इनएक्टिवेट होने के बाद आपको 2-3 नुकसान है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ मिनिमम चार्जेस अगर आपने पे कर दिया, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब लोन अगेंस्ट PPF, आपको मैक्सिमम 25% लोन मिलेगा, जो कि ये फैसिलिटी आपको 3rd फाइनेंशियल ईयर के बाद में शुरू होने का 6th फाइनेंशियल ईयर तक के रहेगी। अब आपको मैंने बोला ऊपर कि इनएक्टिव अकाउंट होने के बाद में आपको बहुत इश्यूज हो जाते हैं। ओनली एक्टिव अकाउंट, अब यहाँ देखिए, लोन अकाउंट सिर्फ एक्टिव अकाउंट लोगों का ही खुल सकेगा, और एक पर्सन एक ही लोन अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर खोल सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक पर्सन अगर उसका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, तो वो सेकंड लोन नहीं खोल सकता अनटिल वो अपना एग्जिस्टिंग लोन पे कर दे। अब रीपेमेंट लमसम भी कर सकते या 36 मंथ के इंस्टॉलमेंट भी कर सकते, और लोन का रेट रहेगा आपके जो भी एग्जिस्टिंग PPF का रेट चल रहा है उससे 1% ऊपर, ठीक है। अब टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या है।
टैक्सेशन में ईईई मॉडल, ईई मॉडल मतलब एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन। अब कैसा सर, ओल्ड सिस्टम में क्या था, अब थोड़ा गौर से सुनिएगा। ओल्ड सिस्टम में आपको अगर आप पीपीएम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो साल के इनकम से भी लेस हो जाता था, उसके ऊपर आप जो रिटर्न कमाते हो जो कि आप इंटरेस्ट बोलते हो वो भी रिटर्न इंटरेस्ट फ्री रहता था, और मैच्योरिटी पे जो पेमेंट मिलता था वो भी इंटरेस्ट फ्री रहता था। तो ये ई ई ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, तो ये सिर्फ ओल्ड स्ट्रक्चर में था, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्ट्रक्चर में था। न्यू स्ट्रक्चर में पहले आपको लिमिट बताता था, ATC के अंदर लिमिट पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट की 1.5 लाख है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि ईईई मॉडल इंटरेस्ट टैक्स फ्री और मैच्योरिटी एंड विड्रॉल का अमाउंट जो है टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो साल के इनकम में डिडक्शन नहीं मिलेगा पीपीएफ का न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में, लेकिन उसका मैच्योरिटी पे जो विड्रॉल मिलेगा और मैच्योरिटी का जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा दोनों केस में, ओल्ड रिजिम में एज वेल एज न्यू रिजिम में, ठीक है। पीपीएफ विड्रॉल, पीपीएफ के विड्रॉल के क्या कंडीशन है, पहले अब तो अपन ने देखा कि 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आप 15 साल के तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड केसेस में आप उसका विड्रॉल कर सकते आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद में आप सॉरी आफ्टर कंप्लीटिंग 6 ईयर आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल अपन फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए ये सेकेंड पॉइंट है एक्टिव अकाउंट से रिलेटेड, ओनली एक्टिव अकाउंट्स आर एलिजिबल टू विड्रॉल, ठीक है। स्पेसिफाइड लिमिट है एक विड्रॉल पे, उतने अमाउंट तक के आप विड्रॉल कर सकते हैं, आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा विच एवर इज लोअर वाली, तो एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन लिमिट एक 50% की है, ठीक है। अदर पॉइंट्स, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पर्सन मिस कर देता है, ये पॉइंट आपने करना ही है। सेकेंड पॉइंट, अकाउंट पीपीएफ का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है, एक बैंक से दूसरे जगह, एक पोस्ट ऑफिस से बैंक में, पोर्टेबिलिटी ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। और एक जो एक लोगों को कंफ्यूजन है कि एक अकाउंट का पीपीएफ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है क्या, जैसा एक वाइफ का पीपीएफ हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्या, तो जो कि नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, और आपको कोई सजेशंस होंगे, आपको कोई ऐसा लगता होगा कि सर आप ये भी चीज़ ऐड करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे को उस चीज़ पे वीडियो बनाने को बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।